हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। हम सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में रात के समय बच्चे कई बार उठते हैं, जिससे उनकी नींद तो पूरी नहीं हो पाती है, साथ ही साथ पेरेंट्स की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसे क्या टिप्स हैं जिसके थ्रू आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रात को सुला सकते हैं, यानी बच्चा रात को कम उठे और कम रोए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है, जब आप बच्चे को सुलाएं तो उसके नीचे ब्लैंकेट ज़रूर बिछाइए, ताकि उसे नीचे से भी गर्माहट मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को रोमपर पहना के सुलाइए। इससे आपको बच्चे को सॉक्स नहीं पहनाने पड़ेंगे। रात को बच्चे को सॉक्स अवॉइड करना चाहिए, पर ज़्यादा ठंड हो तो आप उसे कॉटन के सॉक्स पहना सकती हैं। पर याद रखिए, मोटे वूलन के सॉक्स आपको रात को पहना के बच्चे को नहीं सुलाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रात को बच्चे के कपड़े ज़रूर चेंज करिए, जिससे बच्चा फ्रेश फील करता है। इसमें आप बच्चे को इनर पहनाइए, टी शर्ट पहनाइए, और ज़्यादा ठंड होने पर उसे हाफ स्वेटर पहना सकते हैं। लेकिन फुल स्वेटर मोटा पहना के बच्चे को रात को मत सुलाइए, जिससे बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हल्का दूध गुनगुना करके फ्लास्क में भर के अपने पास रखिए, ताकि बच्चा थोड़ा सा हिले डुले, आपको लगे कि बच्चे को भूख लग रही है, तो हल्का गुनगुना दूध बच्चे को दे दीजिए, जिससे बच्चे की नींद पूरी नहीं खुलेगी। क्योंकि बच्चे की नींद खुल जाएगी तो वो कुछ देर रोएगा ज़रूर, इसलिए हल्का गुनगुना दूध बच्चे को दीजिए। ठंड में एकदम ठंडा दूध आप दे देंगे बच्चे को तो वो बच्चा नहीं पिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ठंड के मौसम में बच्चे को अपने साथ ही सुलाइए, उसे अलग कॉट पे मत सुलाइए, जिससे बच्चे को गर्माहट मिलेगी और वो आराम से सो पाएगा। और आप भी रात को बार बार चेक कर लेंगे कि बच्चे के ऊपर कोई ब्लैंकेट या रजाई है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप बच्चे के लिए रूम हीटर ले सकती हैं, लेकिन रूम हीटर जो लें वो ऑयल रूम हीटर लीजिए, नॉर्मल रूम हीटर नहीं। ऑयल रूम हीटर ही बच्चों के लिए बेस्ट रूम हीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रात को बच्चे के डायपर को एक बार ज़रूर चेंज करिए, क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चे ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, जिससे डायपर के लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बच्चे की नींद पूरी तरह से खुल जाएगी, इसलिए एक बार डायपर को रात को ज़रूर चेंज करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।